कार्तिकेय और गणेश दोनों भाइयों में कैसा अगाध प्रेम है। हाँ, दोनों सदा साथ साथ रहते हैं, क्रीड़ाएं व लीलाएं करते हैं। दोनों की लीलाओं को देखते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए, हमें ज्ञात ही नहीं रहा। स्वामी, माता, क्या आपने कुमार कार्तिकेय को देखा है? कार्तिकेय और गणेश तो दोनों साथ साथ क्रीड़ा कर रहे थे। गणेश कहाँ है, उससे पूछो, वह बताएगा कार्तिकेय के विषय में। गणेश भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं और मैं भी कुमार कार्तिकेय को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। माँ, बड़े भ्राता कार्तिकेय को कहाँ भेज दिया आपने? आज प्रातः से ही वे कैलाश पर दिखाई नहीं दे रहे। वो देखिए, वो आ रहे हैं। प्रणाम माता। कल्याण। प्रणाम पितृदेव। यशस्वी भव। बड़े भ्राता कार्तिकेय, कहाँ रह गए थे आप? आज प्रातः से ही मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। हाँ पुत्र, बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? हम सब चिंतित थे, जाया करो तो बता कर जाया करो। माता, मेरा मन जब भी अगस्त ऋषि से मिलने का इच्छुक होता है तो मैं दक्षिण दिशा में स्थित उनके आश्रम में चला जाता हूँ। बता कर जाते तो हमें चिंता न होती, भविष्य में ध्यान रखना। आपकी आज्ञा का पालन करूँगा माता। चले बड़े भ्राता, चलकर खेल खेलते हैं। हाँ अवश्य, चलो चलो चलो। स्वामी, हमारे दोनों पुत्र युवा हो गए हैं, अब हमें इनके विवाह के विषय में विचार करना होगा। हाँ, उन दोनों के विवाह के लिए तो हम दोनों को ही विचार करना होगा। केवल विचार? नहीं, विचार ही नहीं, कन्याओं की खोज भी करनी होगी। इन दोनों के लिए हम दोनों को ही खोज करनी होगी। क्या बार बार इन दोनों को और हम दोनों को क्या कह रहे हैं? स्पष्ट है, इन दोनों की स्थिति हम दोनों की स्थिति से सर्वथा भिन्न है। इन दोनों के लिए दो कन्याएं बैठी तपस्या तो नहीं कर रही, ये हट ठाने कि विवाह करेंगी तो केवल इनसे ही करेंगी। आपका नाम अवश्य भोलेनाथ है, पर इतने भोले नहीं हो जितने दिखाई देते हो। पकड़ो गणेश को। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। नंदी भैया पकड़ो, मैं यहाँ हूँ। नंदी भैया पकड़ो पकड़ो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। नंदी भैया यहाँ आइए। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। नंदी भैया भिंगे, तुम मेरी आंखों पे पट्टी बांधो, मैं पकड़ूंगा गणेश को। बड़े भ्राता पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बड़े भ्राता मैं तो यहाँ हूँ। आ आ आ, नहीं नहीं बड़े भ्राता, कार्तिकेय भ्राता मैं आ यहाँ हूँ। आइए आइए, ए ए यहाँ आइए बड़े भ्राता, मैं यहाँ हूँ। बड़े भ्राता मैं तो यहाँ हूँ। देखा स्वामी आपने, गणेश कुटिलता करने लगा है। नहीं देवी, ना तो ये कुटिलता है ना चतुराई, ये तो मात्र बाल क्रीड़ा है। गणेश कुटिल तो है ही नहीं। पर कार्तिकेय और अन्य सभी अकारण ही थक रहे हैं। क्रीड़ा में यही तो होता है, प्रतिद्वंद्वी को थका के छकाया जाता है जिससे विजय की संभावना बढ़ती है। क्रीड़ा करने वाले सभी दल ऐसा ही करते हैं। ये रहा फल, चलाइए बाण। गणेश चला बाण। अरे डरते क्यों, डटे रहना डटे रहना। गणेश चलो। अरे डरते क्यों, डटे रहना। बड़े भ्राता,
मुझसे तो सब डरते हैं। आप चलाइए तीर। लाओ। मेरे प्राण तो बचाएंगे ना। अरे डर मत। चलाइए बड़े भ्राता। इस प्रकार तो गणेश हार जाएगा। क्रीड़ा में जय पराजय का महत्व नहीं, स्फूर्ति, बुद्धि कौशल और क्रीड़ा भावना ही मुख्य होते हैं। जय पराजय का महत्व न होने से क्रीड़ा का आनंद ही क्या रहेगा? नहीं देवी, आनंद तो स्फूर्ति और कुशलता में है। जय पराजय को महत्व देने से प्रतिद्वंद्वता बढ़ती है, जिससे भावना मलिन होकर खिलाड़ियों में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना भी बढ़ती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। संभालो बड़े भ्राता। ये लो बड़े भ्राता। गणेश तुम कुटिलता कर रहे हो। बड़े भ्राता छोटा हूं ना, भूल तो हो जाती है। दोनों भाइयों में प्रेम और स्नेह है। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। चर्चा का विषय तो तब होता जब दोनों में वैर अथवा घृणा होती। पर स्वामी, क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं कि भाइयों में वैर और घृणा होती है? आश्चर्य उनके लिए जो प्रेम और स्नेह की गति को स्वाभाविक और जीवन का एक आवश्यक अंग मानते हैं, पर जो स्वार्थ, भौतिकता और अधिकार के भ्रम में पड़कर मिथ्या सुख को ही सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें ना तो आश्चर्य होता है ना ही लाज आती है। जगत में व्याप्त सत्य कुछ भी हो, पर हमारे पुत्रों में प्रेम भाव है। हाँ, सो तो है। कल्याण भव। अरे तू अब तक पुष्प लिए घूम रही है? मैं घूम नहीं रही, प्रतीक्षा कर रही हूँ। अच्छा, तो अब तू भी प्रतीक्षा करने लगी। बुद्धि की बैरी, वाणी को विराम दे। मैं भगवान शिव की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब वो समाधि स्थल पर आए और मैं उन्हें पुष्प अर्पित करूँ। देख देख वो आ गए। दोनों पुत्रों की आयु विवाह योग्य हो गई है, अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। मैं दोनों से पूछकर उनकी इच्छा भी जान लेती हूँ। क्या पूछना है उनसे? उनकी इच्छा अर्थात? यही कि वे भी विवाह के लिए सहमति दें। लगता है दोनों में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, इसीलिए तो विलंब हुआ है। देवी पार्वती, हम दोनों उनके माता पिता हैं और वे हमारी संतान। अभी वो युग नहीं आया है कि विवाह के लिए संतान की इच्छा और सहमति आवश्यक हो। पर स्वामी, विवाह तो संतान को ही करना है ना? तो क्या इसका निर्णय संतान करेगी? तुम इस सत्य को क्यों भूल रही हो देवी कि हमारे दोनों पुत्र विवेकशील और बुद्धिमान हैं, और ऐसी बुद्धिमान संतान ये भी अवश्य मानती है कि उनके माता पिता उनसे अधिक बुद्धि और विवेक रखते हैं, और वे जो भी निर्णय लेंगे उनका हित विचार कर ही लेंगे। माता पिता की इच्छा और निर्णय के विरुद्ध अविवेक और युवावस्था के उन्माद में विवाह करने का युग अभी नहीं आया देवी। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। अद्भुत आशीर्वाद। सदा कल्याण हो और सदा कल्याणकारी रहो। हाँ देवी, दूसरों का कल्याण करने वालों का सदा कल्याण होता है, इसलिए सुख की कामना करने वालों को कल्याण कार्य करते रहना चाहिए। माँ, पिता श्रेष्ठ का ये मंत्र हम आत्मसात करेंगे, किंतु ये बताइए
कि आपने हम भाइयों को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तुम दोनों को तो मैं अनेकानेक आशीर्वाद दे चुकी हूँ। ओहो, तो अब अन्य किसी को आशीर्वाद देने का विचार है? हाँ। भला बताओ तो किसे? अपनी पुत्र वधुओं को। पर वे है कहाँ? है नहीं तो हो जाएंगे। पुत्रों, तुम्हारी माता अब तुम्हारा विवाह कर देना चाहती है। सत्य है, मैं अपनी पुत्र वधुओं का सलोना मुख देखने के लिए अब व्याकुल हो उठी हूँ। अब तुम दोनों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करो। दोनों का नहीं माँ, केवल गणेश का। क्यों, तुम क्यों अपने कर्तव्य से भागना चाहती हो? पिताश्री, मेरी विवाह करने में रुचि नहीं, मैं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहता। मैं तो जन जन में धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। करो, पर विवाह तुम्हें कहाँ बाधक है? विवाह का बंधन और दायित्व धर्म कार्य में योग साधना नहीं करने देता। बस बस, तुम्हारे पिताश्री से बढ़कर योगी इस जगत में कोई नहीं है, फिर भी वो विवाहित है। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? मेरा मौन तुम्हारी माता के पक्ष का समर्थन कर रहा है पुत्र। जगत में कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जो अपनी संतान का कुंवारा रहना सहन कर सके। मेरे पूज्य माता पिता, जब तक बड़े भ्राता कार्तिकेय इस गंभीर विषय पर विचार करें, तब तक अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करते हुए आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। किंतु समस्या तो यही है कि मुझ गजवदन को अपनी कन्या कौन देगा? अप्रिय सत्य को तुमने विरोध में कहा है पुत्र, किंतु इसी सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। संबंध की आकांक्षा रखने वाले अज्ञानी केवल शरीर का आकार, प्रकार, रूप और रंग को देखते हैं, किंतु ज्ञानी और अटल सत्य के समर्थक शरीर रूपी शिविर के भीतर विद्यमान गुण, प्रतिभा, विवेक और बुद्धि का मूल्यांकन करते हैं। तुम बुद्धि निधि हो गणेश, तुम्हें अपनी पुत्री देने के लिए अनेक पिता ललायत होंगे, शीघ्र ही हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो माता पिता की इच्छा और आज्ञा को ही सर्वोपरि मानता हूँ। तो हम अति शीघ्र ही गुणवती कन्याओं की खोज करते हैं। बुद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। सिद्धि का प्रणाम स्वीकार करें पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्री, सदा सुखी और प्रसन्न रहो। हमारे सुख के लिए हमें तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे पिताश्री। हाँ पिताश्री, हम दोनों बहनें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। पिताश्री हमें आज्ञा देना नहीं चाहते, ऐसा ही लगता है। चलो लौट चलें। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। संसार के सर्वश्रेष्ठ गुणवान, धैर्यवान, बलवान और चरित्रवान पति आप दोनों को प्राप्त हो। लजा रही हो? उत्तम, अति उत्तम। लज्जा तो स्त्री का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, परंतु ये क्या, आप दोनों के मुख पर ये निराशा और विषाद की छाया क्यों है? हाँ पुत्रियों, कहो तुम उदास क्यों हो? पिताश्री, हमने आपसे तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा मांगी तो आपने उत्तर नहीं दिया। हम दोनों ने यही समझा कि आप हमें भेजना नहीं चाहते। नहीं पुत्रियों, नहीं। तीर्थ यात्रा जैसे पुण्य और शुभ कार्य के लिए भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? अवश्य जाओ, और तीर्थों में अपने इष्ट देवी देवताओं से अपने योग्य वर पाने के लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं भी अपने दायित्व से मुक्त हो सकूं। नारायण नारायण। पिता को पुत्रियों के विवाह की चिंता और पुत्रियों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा, आहा, ऐसी योग्य और सुशील कन्याओं के विवाह की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए राजन। पुत्री विवाह योग्य हो जाए तो पिता की चिंता
स्वाभाविक है देवर्षि। प्रभु की कैसी लीला है, इधर आप पुत्रियों के लिए वर की खोज और चिंता कर रहे हैं और उधर योग्य वर के माता पिता आप जैसे पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन? पुत्र वधुओं की खोज करने वाले वर के माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं राजन। देव ऋषि कौन है वे, कृपया नाम बताएं उनका। सारा जगत जानता है उन्हें, कौन नहीं जानता? पर मैं नहीं जानता। जानते हैं राजन, आप भी जानते हैं। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कौन है वे। राजन, विधि के विधान के अनुसार आपकी दोनों पुत्रियां शिव पार्वती की पुत्र वधुएं बनेंगी। विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए आपको यथाशीघ्र कैलाश पहुंचकर शिव पार्वती से भेंट करनी होगी। देवर्षि मैं आपका आभारी हूँ, आपके शुभ समाचार ने तो मुझे चिंता मुक्त कर दिया। आपके आदेशानुसार मैं शुभ मुहूर्त में कैलाश जाकर शिव भोलेनाथ के दर्शन करूंगा। पिता श्रेष्ठ, मुझे दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने की आज्ञा प्रदान करें। उसी क्षेत्र में मैं धर्म और शिव भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। तो बड़े भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा वहाँ। नहीं गणेश, मैं अपने वाहन मयूर पे बैठकर शीघ्र जाकर शीघ्र लौट आऊंगा। तो जिस मयूर पर आप बैठोगे उसी पर मैं भी बैठूंगा। हट क्यों कर रहे हो गणेश? हट नहीं माँ, भ्रमण कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं कार्यवश जा रहा हूँ, तुम भ्रमण करना चाहते हो तो फिर माँ के पास कौन रहेगा? कैसी बात करते हो बड़े भ्राता, जब हम दोनों नहीं थे तब माताजी के पास कौन रहता था? पिताश्री, अब भी वो ही रहेंगे। गणेश, तर्क करने की आवश्यकता नहीं, तुम यहीं रहो। तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं गणेश, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। अब माँ की आज्ञा को तो मैं टाल नहीं सकता। योग्य पुत्र माता पिता की आज्ञा मानते हैं, टालते नहीं। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, अब विदा लूंगा।